पर स्वागत करता हूँ आपका। और जो सुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज जो ये वीडियो कवर करने के लिए पहुँचे हैं बजाज डेयरी फार्म पर, आगे की जो प्रॉपर जानकारी है वो लेंगे भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, बजाज डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले अपना नाम और यहाँ का एड्रेस। नाम है राजस्थान में, बता दूं पहले एड्रेस ही बता दूं। राजस्थान में है, एक जिला पड़ता है श्री गंगानगर, उससे 75 किलोमीटर की दूरी पे कस्बा है राय सिंह नगर और नाम है मेरा विक्की बजाज। ठीक है, गूगल मैप पे बजाज डेयरी फार्म सर्च करोगे डेयरी की लोकेशन मिल जाएगी। और गंगानगर से कितनी दूरी पे? 75 किलोमीटर में। ठीक है, और अपने कॉन्टेक्ट नंबर 9461208094। तो आज की वीडियो में कितनी भैंसे दिखा रहे हो बिक्री वाली? भैंस तो भाई अपने पास है, टोटल होंगी 44-45 भैंसे हैं। ठीक है, पर दिखाएंगे, देखो जितनी दिखा सकते। ठीक है, 5-6 भैंसे दिखा देंगे क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ी ना हो। हाँ जी, 6-6 करके बना देना भैंसे तो कूल है। ठीक है जी, तो शुरुआती रेट क्या रहने वाला है? देखो शुरुआती रेट तो ये लगभग 75-80 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो वीडियो में आपके पास हर तरह की भैंस है, वीडियो शायद आप किसी की भी डाल देना, मीनी मिलेगी बिल्कुल जेट ब्लैक, ठीक है, नीली रावी ब्रीड की मिलेगी, प्योर नीली रावी भूरी मिलेगी, ठीक है, मिलेगी ताजी ब्याई हुई मिलेगी, ताजी ब्याने वाली मिलेगी। और अगर कोई भाई अच्छा पैसा लगाना चाहता तो भाई भला के भला ये 2-3 जोड़ियां, ठीक है, वो 11 अभी टाइम ले रही है वो भी मिलेगी। कोशिश हर प्रकार का माल मिलेगा। हाँ जी, कोशिश करें कि आके लेके जाएं। सही है, क्योंकि पैसे देने देखो 80-90 लाख से तो कम कोई भैंस ही नहीं है। बिल्कुल, तो अपने आगे तसल्ली करके लेके जाएं, सबसे उचित वही रहे। हाँ जी, सबसे पहले नंबर पर जोटी दिखा रहे हो छोटे सींग की। भाई फर्स्ट टाइमर जोटी है। हाँ जी, पहली बार अभी बच्चा देना है। ठीक है, पहली बार ही ब्याएगी। हाँ जी, और कितना टाइम ले रही है अभी ब्याने? टाइम तो देखो बंद मुट्ठी है, क्या कह सकते हैं, 6 दिन ले, 7 ले, 8 ले, भी जितनी है ना मन खुश हो जाता है जोटी को देख के। सही है, बिल्कुल। आगे जो कद वजन वाली, आगे देखो गर्दन देखो बिल्कुल पतली, छोटा सा मुंह चाहे कटोरी में पानी पिया दो, बिल्कुल छोटा छोटा ओरिजिनल सींग, ये नहीं सींग सूंग बनवाए हुए हैं, प्राकृतिक सुंदरता ही इतनी गजब की है जोटी में कि भाई दिल खुश है। कोई ये जो छेड़छाड़ नहीं की, कुछ नहीं किया हुआ भाई, जो है ओरिजिनल ही है। तो दूध कितना तक देना चाहिए फर्स्ट? दूध पहले लेना भाई, अब क्या कह सकते हैं, दूध तो देखो खरीद के तो हर एक बंदा अच्छी करके ही लाता है, चला दे भाई, हर एक बंदा अच्छी सोच के ही लाता है ये अच्छी निकलेगी। सही है, पर आगे समय बताएगा। जोटी में तो गुण तो एक नंबर ही है। तो कीमत इसकी? कीमत एक ही दाम रहेगा भाई, चला ले, एक ही दाम रहेगा भाई, ये 1,00,000 रुपए में घर पहुंच कराएंगे, 95,000 रुपए में यहाँ पे। ठीक है, 95 यहाँ का रेट और 1,00,000 रुपए घर पहुंच का प्राइस। बिल्कुल भाई, एक नंबर जोटी, नीचे की पोजीशन, सींग, रंग रूप, थन, हर एक एंगल से अच्छी। ठीक है, थनों का साइज है वो काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है फर्स्ट टाइम में काफी। देखो आगे बंदा इतनी दूर देखेगा ना तो देखो मन खुश हो जाएगा भाई। सही है, क्योंकि जोटी में जिस भाई ने घर दूध पीने के लिए रहनी है उसके लिए इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं मिलेगा कि देखो 1,00,000 रुपए में घर पहुंचो, बिल्कुल सींग रंग रूप दूध भी उम्मीद घनी बढ़िया करके खरीदिए कि भाई बहुत अच्छी निकलेगी जोटी। ये नहीं है कि देखो छोटा ऑर्डर है, घना खुला ऑर्डर है भाई, पूरा फिट। और जैसे अभी तो ब्याने वाली है, जब तैयारी पे आएगी तब देखना क्या बन के आएगी। बाकी वैसे भी फर्स्ट टाइमर जोटी के पास 40 दिन होते, 40 दिन में 100 रंग निकालने उसने। सही है, मालिक में भाई थोड़ा सा जोर चाहिए, सेवा अच्छी करेगा तो कुछ अलग ही चीज बन जाएगी। और इससे आगे दूसरे नंबर पर एक और जोटी, ये भाई बढ़िया हाइट लेंथ की। हाँ जी, ये शायद या तो भाई सेकंड टाइमर या थर्ड टाइमर, ब्याह तो बताया था पर पूरा याद नहीं है अच्छे से। ठीक है, ब्याई को आज 4th दिन हो गया भाई इसको। ठीक है, 4 दिन की ब्याई है। हाँ जी, थोड़ा बच्चा साथ में क्या है? बच्चा क्या भाई, कटी है भाई, साथ में फीमेल का। हाँ जी, 4 दिन की ब्याई है, खीस से खाली होगी, डोके डोके भाई थनों में छोड़े हैं क्योंकि कल आई थी। हाँ, कल आई थी अपने डेयरी में, थोड़ा नया आया पशु भाई, कई बार थोड़ा देखो दाना वगैरह कम खाता है तो थनों में दूध थोड़ा बहुत कई बार छोड़ना पड़ जाता है। ठीक, 4 दिन की ब्याई, वैसे खीस से खाली है, लगभग 1.5-1.5 किलो दूध छोटा हुआ है थनों में। तो कितना तक दे देगी दूध? आज खीस ही होगा इसमें, ठंडा मान के चलो लगभग 12 लीटर, 11.5-12 लीटर तो खीस ही होगा।
बाकी दूध दे देगी भाई झोटी आराम से ही 15-16 किलो दूध तो खुला देगी, 15 से 16 लीटर। हाँ जी, और बिल्कुल है जो पतली चमड़ी की झोटी है, बिल्कुल पतली चमड़ी की, नीचे की पोजीशन है घनी बढ़िया वाली, मुट्ठी के साइज का था ना थोड़ा। देखो किसान के घर से आई है, डरती है, ठीक है नहीं आई है। हाँ जी, इधर ले बच्चे पे ले, बच्चे पे ले चल। नीचे कीमत इसकी, कीमत 1,02,000 रुपए है, 800 किलोमीटर तक के दायरे में घर पहुंच। 1,02,000 रुपए की घर पहुंच। हाँ जी, यहाँ का रेट हो गया 97,000 में। यहाँ पे हल्का नीली रवि में क्रॉस है, मत जो चेहरे पे व्हाइट स्पॉट है भाई, और थनों में स्पेस वगैरह वो बढ़िया है। आई बिल्कुल अच्छा, और पीछे से भी काफी। हाँ जी, आई देखो एक नॉर्मल से घर से, ये सेवा सुवा विशेष थी नहीं, ये तो इसको नहला धुला के यहाँ कुछ इसका रंग निकल गया, नहीं तो बुरी तरह मिट्टी में भरी हुई और कीचड़ ही कीचड़ था इसमें लगा हुआ जब आई। ठीक है, देखो सेवा करोगे तो 16 किलो से नहीं पिटेगी, बाकी ये ऐसे नहीं है कि ऊपर से भी हल्की है, पीठ क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। और इससे आगे एक और जोटी, ये थर्ड टाइमर है भाई, तीसरी बार है, कल भी आई है। ठीक है, ताजा ही भी आई है, ताजा भी आई है भैया, कल तकरीबन भी मेरे ख्याल में 10-11 बजे। ठीक है, थनों का साइज सुइज बहुत बढ़िया है, थनों में स्पेस है वो घना बढ़िया वाला है भाई जोटी के, पूरा है जो दूर दूर स्पेस वाला और पूरा मुट्ठी वाला। हाँ जी, थनों में स्पेस काफी अच्छा है, देख पा रहे हो बहुत बढ़िया स्पेस है थनों में, और बिल्कुल मुट्ठी के साइज का थन है। बहुत कम ऑप्शन रहता है कि इस तरह के जो थन में भाई दूध भैंस ना दे। और बच्चा क्या दिया? बच्चा कटिया ही है ना, एक मिनट भाई देख ही लेते हैं, कटड़ा भाई। ठीक है, साथ में मेल काफ है, मेल काफ है कटड़ा। और दूध कितना तक दे देगी? दूध भाई आराम से देगी 17 लीटर। ठीक है, 17 लीटर तक। हाँ जी, दूध ये कल की भाई, ये खीस सुबह इसका मेरे ख्याल में 3-3.5 किलो खीस निकला, निकाला भी काफी लेट ही है। ठीक है, कल की भाई खाली तो पूरी की नहीं, पर 3-3.5 किलो खीस निकला हुआ, चुवाई मैं कह रहा हूँ मन ही खुश हो जाए बंदे का, इतनी गजब की चुवाई है। और कीमत इसकी? कीमत एक ही दाम है इसका, 1,02,000 रुपए घर पहुँच, और 97,000 पे यहाँ पे। ठीक है, 97,000 का 1-2 घर पहुँच। हाँ जी, पूरा मुट्ठी के साइज का थान, और पीठ क्वालिटी है वो आगे पीछे काट रहा है पूरा। हाँ जी, आगे पीछे काट रहा है, पीठ क्वालिटी ये देखो, ये जो शेप है ना बहुत कम देखो इस तरह की मजबूत देखने को मिलती है इस बजट में। सही है, हैवी बजट में तो मिल जाएगी, पर लाख के हेरफेर में भाई इतनी मजबूत पीठ, इतना गजब का थान कम मिलेगा आपको, आराम से देगी भाई 16-17 किलो दूध भैंस। और इससे आगे एक और जोटी दिखा रहे हो, छोटे सी थर्ड टाइमर भैंस है भाई, तीसरे भी। हाँ जी, बोलने को इसको सेकंड टाइमर बोलो तो भी चलेगी, बिल्कुल थर्ड टाइमर है, हाइट लेंथ बॉडी वेट घना बढ़िया वाला है, और थनों का साइज और अदर पर नसें काफी बढ़िया आपको देखने को मिलेगी। बहुत ऐसे नहीं आर्डर छोटा है, बहुत ही अच्छे खुले आर्डर की है, थोड़ा ताजी बेई में जो वादी विश्वा झलका बोल देते हैं वो जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो डाइट वगैरह है अक्सर ही देखो छिलका चोकर चने की चूरी ये सब चीजें डलती हैं, तो इससे वादी विश्वा वगैरह रहता नहीं। और वीडियो बनाने का समय 1-1.5 बजे दोपहर को, 1-1.5 बजे का समय बिल्कुल भाई खीस से खाली हुई है, आज 5वां दिन हो गया शायद इसको बेई को, आज 5वां दिन है बेई को, पक्का 13 किलो खीस तैयार है, बिल्कुल खीस। हाँ जी, बिल्कुल खीस से खाली हुई है, और दोपहर का समय पूरा हाथी का ही बच्चा है भाई। हाँ जी, बहुत बड़ी होती है। तो कितना तक दे देगी दूध भाई? आराम से देगी, अनुमान तो हमारा ये 18 किलो से ऊपर दूध देगी, कहीं भी ले जा भाई बच्चे को ले जा। और कीमत इसकी? एक ही दाम है, कम ज्यादा का कुछ नहीं है, 1,25,000 रुपए में घर पहुँच। ठीक है, 1,25,000 की घर पहुँच। हाँ जी, बहुत बड़ी जोटी है, और 1,20 का जो यहाँ का रेट है, 1,20 यहाँ का रेट है, जो कोई भाई खरीदे देखो आए पहले 2-3 टाइम अपनी मिल्किंग करें फिर खरीदे, नीचे की पोजीशन काफी बढ़िया है, ये तो वादी विश्वा जलका जो बोल देते हैं उसकी वजह से थोड़ा थनों में स्वेलिंग दिखाई दे रही है, बाकी जब तैयार होके आएगी दूध पे तो कुछ अलग ही चीज बनेगी, ऑर्डर पे नशे वगैरह हर एक चीज जो एक दूध वाली भैंस में होनी चाहिए सारी की सारी इसमें देखने को मिलेगी भाई। और इससे आगे एक और मीनी जोटी दिखा रहे हो, बिल्कुल प्योर मीनी है, देखो मीना जो नीचे को सींग है वो मीनी मिल जाएगी, रुक जा भाई,
पर सिंगों का ये साइज दोनों सिंग हिलते हैं। ठीक है, साइज मिल जाएगा, हिलता नहीं मिलेगा। एक चीज मिलती है एक नहीं मिलती, बहुत दिनों बाद भाई घनी सुंदर जोड़ती है, मन खुश हो जाता है बंदे का देख के। लगभग जो 1.5-2 साल बाद इस प्रकार की मिनी जोटी है। एक मेरे ख्याल में आपने वीडियो डाली थी मेरे चैनल पे, वो मेरे क्या सॉरी मेरी डेरी से डाली थी, घनी शुकीन सी जोटी थी। हाँ जी, वो सींग है भाई, पहले ब्याद खूब भाई अच्छी सेवा कर रखी किसान ने, बिल्कुल तसल्ली वाली। ठीक है, पूरी बड़ी हाइट लेंथ की, हाइट भी छोटी नहीं है, पूरे फुल साइज की है, सूदी है, जैसे मन करे वैसे नीचे बैठे रहो, छोटे गोल खुर रहे, ना कोई पक्का मारने वाली समस्या, ना कोई ऐसे की इधर उधर भागे करे, जाने दे कहीं नहीं जाएगी। जिसने खरीद ली ना, मेरे को नहीं लगता कि भाई वो 5-6 साल इसे बेचेगा। ठीक है, बहुत अच्छी एडर क्वालिटी की है भाई, हाल फिलहाल भी एडर अच्छा बना रखा है, बाकी जब तैयारी पे आएगी ना तो कुछ अलग ही बन जाएगी। कितना टाइम ले जाएगी अभी बियाने में? बियाने का नहीं कह सकते, देखो भाई ये 5 ले ले, ये 7 ले ले, ये 10 भी ले ले, वो पशु का पहल लेना कोई तारीख वगैरह तो इसकी भाई किसान ने बताई नहीं। बिल्कुल जेड ब्लैक जोटी है, पूंछ पूंछ में कोई 2-4 बाल सफेद होंगे, प्योर मुर्रा ब्रीड के, लगभग 1-2 इंच सफेद है। हाँ जी, और कीमत? कीमत एक ही दाम रहेगा, आगे निकाल दे उधर को निकाल, एक ही दाम रहेगा भाई इसका, जो कोई भाई खरीदे 1,22,000 रुपए में घर पहुंच कराएंगे और 1,17,000 रुपए की यहाँ पे देंगे। ठीक है, 1,17 काफी रीजनेबल प्राइस है। हाँ, इस प्रकार की जोटी का जो आम मांग लिया जाता है 1,40-45। देखो वीडियो में शायद ये महंगी लगे, हाँ जी, पर जो कोई भाई सामने आके देखेगा ना, इतना विश्वास है कि खरीदने वाला गाग जिसको एक जो मन में इच्छा है इस तरह की जोटी खरीदने की, वो नहीं छोड़ेगा, वो लेके ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि अच्छी किसान ने सेवा कर रखी है, और देखो अच्छे चीज के भाई किसान भी पूरे अच्छे ही पैसे लेता है।